का दोस्तों, आज हम खड़े हैं नरलू मेन रोड पे जो रैसी से लेकर मोहर तक जाता है। एक ही मेन रोड है, ये रोड श्रीनगर भी टच करता है, श्रीनगर बुद्धल हो गया और सजरू दगन टाप टूरिस्ट जो इलाका है वहाँ पे, टूरिस्ट इलाके में भी रोड आता है। तो आइए हम इसको इस रोड की आपको हालात बताएँ, दिखाएँगे कितने बहुत ही बदतर से बदतर हालात हैं। हालांकि बॉर्डर रोड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस रोड को मेंटेनेंस का जिम्मा उसके हाथ में है, तो काफ़ी 13 सालों से ये रोड उनके हाथों में है। अरे मेन पॉइंट साड़ा ये जरा कि इस वे इतने बाबा मोड़ रखते हैं, बारिश की वजह जिस वे बारिश होती तो छड़ा चिक्कड़ हो जाता, बंदे नहीं पैदल उपर खल उपर जाई सकते। उपर दफ्तर है सारा, तहसीलदार का दफ्तर है, बैंक है, ट्रेजरी है, हॉस्पिटल है, बड़ी मुश्किल हो जाती लोगों आने जाने की। कटिंग कितने 12-13 साल हो गए, पहली जी कटिंग साढ़े अनाज से इन्हें की थी, लेकिन इस वेले तक नहीं इन्हें कोई ब्रेस्ट बाल दी, नहीं इतने कटिंग की है, नहीं ब्लैक टॉप किया। जिस वेले मौसम साफ हो जाता, साफ होने के बाद महाराज इतने इन्नी डस्ट होती, सारी दुकानें अंदर गर्दा ही गर्दा हो जाता, पत्थर जड़े लोगों जानवरें खिलाने और छड़ी मिट्टी होती नहीं है, पानी सुटते नहीं कुछ करते। इतू अगे तो तुम चले जाओगे, साढ़े जो मकान जमीन पूरी स्लाइड हुई, इन्हें लेता 80 फुट रोड, 200 फुट जी जगह सारी स्लाइड हुई है। यदि कटिंग करने ब्लास्टिंग की इन्हें पहले ब्लास्टिंग करने इन्हें कटिंग हुई है, लेकिन असं तहसीलदार साहब को गए, ग्रिफ के अफसर को भी गए, सारे को असं एप्लीकेशन दी, साढ़े को इस वे फोटोकापियां भी दी, लेकिन कुछ साड़ी सुनाई नहीं की। इसलिए अस इयो रिक्वेस्ट करने कि साड़ी मौके की पोजिशन देखी जाएगी कितनी खसरा हालत है साढ़े रोड की। तो बाकी अस इो आखना कि अगर कन्ने कन्ने कटिंग करन के कन्ने अपनी जी जगह इन्हें पेमेंट दी लोगों की, वो अपनी जगह घेरन सा रोड जोड़ा है साफ होना चाहिए। मेन पॉइंट अगर गंदा तो बाकी के डिवेलपमेंट करनी इन्हें महकमे ने। यहाँ का रोड बड़ा ख़राब है, जब से ग्रिफ आई है 13 साल हो गए ग्रिफ को, यहाँ पे इतने खड्डे हैं, बुरी हालत है, गाड़ी की बड़ी बुरी हालत है, तबाही हो गई, हमें किस्त के लिए पैसे नहीं जुड़ते हैं। कभी स्ट्राइकें भी की हमने 2-3 बार, लेकिन कोई काम नहीं करते हैं। जब बच्चे मॉर्निंग टाइम में स्कूल जाते हैं तब उनका जब पास में से गाड़ी गुजरती है तो उनका बहुत ही बुरा हाल होता है। शाम सुबह वो वर्दी अपनी जो यूनिफॉर्म है ड्रेस वो अच्छी तरह से धो के और प्रेस करके जाते हैं, और शाम को जब आते हैं तो बहुत ही बुरी हालात हुई होती है। मैं अरनास मोहर रोड के किनारे गाँव है मतलब, तो वहाँ का रहने वाला हूँ। अरनास मोहर रोड का काम जो अरनास से मोहर तक शुरुआत इसकी 13 साल पहले हुई थी, लेकिन महकमा जो है ग्रिफ वालों ने इसका काम शुरू किया और जगह जगह कटिंग करके जगह जगह छोड़ दिया, और जो पुराना सिस्टम था PWD रोड का वो भी इन्होंने डैमेज कर दिया, और सड़क की इतनी बुरी हालत है, बहुत बुरे खड्डे पड़े हुए हैं, कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। और जब खुशक मौसम होता है तो सड़क का इतना पोल्यूशन है इस रोड की वजह से, सड़क के दाएं और बाएं तरफ लोगों के जो घर हैं या जो ज़मीनें हैं या जानवरों का जो चारा है उस पर इतनी डस्ट बैठ जाती है, जिससे बहुत सारे जानवर जो हैं वो बीमार होकर मर गए, और इंसानी ज़िंदगी पर भी उनका बहुत बड़ा असर पड़ा।